डियर शार्क्स, बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम सबके सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ होता है, वो होता है हमारे भाई बहन का। ये रिश्ते का जीता जाता एग्जाम्पल है हम दोनों भाई। हम दोनों भाई ने मिलके बिना किसी फूड बैकग्राउंड के, बिना किसी वीसी के, बिना किसी एंजल के, बिना किसी फंडिंग के, मात्र 17 महीने में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 150 फास्ट फूड आउटलेट शुरू किए हमारे जोड़को ब्रांड के। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है आनंद नहर। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है अमृत नहर। हम लोग सूरत गुजरात से हैं। हम दोनों जोड़को ब्रांड के को फाउंडर्स हैं। जोड़को एक प्योर वेज फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जिसमें एक छत के नीचे ही आपको 80 से ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, नाचोस, मोमोज, मिल्कशेक, पोहितो और ना जाने क्या क्या। सामने ने एकदम भूख लागी गई हो, लागी गई, लागी गई। जोड़को एक अफोर्डेबल फूड फ्रेंचाइजी चेन है जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में एकदम शानदार क्वालिटी का फूड, वो भी सूथिंग एम्बियंस के साथ मिलता है। शार्क्स, हमारी जोड़को की जर्नी वेसू में सिर्फ एक आउटलेट से शुरू हुई थी और देखते ही देखते आज हम भारत के 42 से ज्यादा शहर और गांव में है और 6 से ज्यादा राज्यों में है। हमारा विजन है कि हम आने वाले 1000 दिन में 1000 आउटलेट खोले और सिर्फ फास्ट फूड इंडस्ट्री में नहीं बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री पे भी राज करें, और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए होगा। खाली साथ नहीं भाई, आप टिश्यू भी चाहिए। हमारी आज के 1.5 करोड़ रुपए 1% की फीड के। आप स्ट्रीट प्ले करते थे? नहीं, मैं रैपिंग करता था। मुझे लगा मेहरबान कदरदान। तो आप प्लीज खिलाइए आपके खाने। जो इज दैट एनर्जी, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, इंजेक्शन ये चीज इंजेक्टर है। हां, अरे वाह, क्या आविष्कार है भाई। और ये क्या है बगल में? हमारी सॉसेस है सर, जो हम खुद ही बनाते हैं। ये मोहितो सॉलिड है। थैंक यू सर, डिलीशियस, बेस्ट सेलर। सॉस भी सॉलिड है। बर्गर यम्मी है, जो पैटी अंदर की बहुत यम है। एंड आप प्रूव कर रहे हो कि वेजिटेरियन खाना यम होता है। 100% फ्राइज बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। आपने बिजनेस शुरू कैसे किया? बेसिकली मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैं जो SMEs छोटी कंपनियां होती है वहां पे जाना, बिजनेस को एनालिसिस करना, ये चीज करता था मैं। मैंने इवन ओयो को भी, मैं चाहता था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। मैंने ओयो में इन्वेस्टमेंट करूं? ये कहां? कॉल सेंटर वाले तो समझे ही नहीं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। उनको लग रहा हो कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, और वो अपने हिसाब से सही भी है। फिर मैंने कॉल करता गया, फिर कोई रिवर्ट नहीं आया, फिर आपने वो $10 बिलियन पे पहुंच गए थे आप फिर। तो आपने कैसे सोचा कि ओयो बनेगा इतना बड़ा? मेरा नॉर्मली कैसा होता था कि मैं कोई भी सर्विस जो भी यूज करता था और मुझे अच्छी लगती थी ना, तो मैं उसको मेल करता हूँ या उसको वे करता हूँ। उसका मेल भी है, मैंने स्क्रीनशॉट और वो भी दिखाओ, दिखाओ मेल, दिखाओ। हाँ, क्या उनसे साल की बात है? ये 2019 की बात है। 2019 में कितने पैसे थे तुम्हारे पास? सर, पैसे तो मतलब 5-1 करोड़ ही थे, बट 5-1 करोड़ थे। 5-1 करोड़ थे। कहाँ से आए 5 करोड़? सर, हम लोग इन्वेस्टिंग करते थे, मतलब मैंने कॉलेज से शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट। हाँ, मैंने ही शुरू किया था, मेरा एक फ्रेंड भी था, उसको उससे मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवाए थे। कौन से साल में शुरू किया आपने? ये 2016 में ही सर शुरू किया था कॉलेज। यस, और बता दे कौन सी कंपनीज है, हम उस पे भी कर सर। जोड़को, जोड़को, कंपनी जोड़को। तो इसमें हमको ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार, हम लोग घर पे 400-500 रुपए का अपने बाजार से सामान लाते, चीज लाए, ब्रेड लाए, ये लाए, बनाए और सब खा लेते, और इतना खा लेते मतलब कहना ही क्या। और यही अगर 5 लोग अपन बाहर चले जाए फ्रेंड्स के साथ, तो 2000-2500-3000 का बिल बन जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज इंस्टेंटली हिट हुई कि भाई, ये तो अपने को करना ही है। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला तो कीड़ा लग ही गया था, क्योंकि ये SME जो भी होते थे उनसे मिलते थे, तो वो समझ में आ गया था यार, ये कर रहे हैं ना तो अपन तो कर ही सकते। तो हम लोग वेसू करके एक एरिया है सूरत में, वहीं पे हमने ढूंढना शुरू किया। तो वहाँ पे हमने एक शॉप फाइंड करी जिसके अंदर जो बंद हो रही थी, उनके कोविड की वजह से इशू थे, लोकेशन बहुत जोरदार थी। तो हमको ये समझ में आ गया, वही विजन वाली बात यार, ये कोविड तो विजन वाली बात।
कोविड तो चौथा में ये तो खुलेगा ही, और उसका जो फर्नीचर था उसने 20 लाख रुपए खर्च करे थे, आपको फ्री में मिल गए? नहीं, 4.5 लाख रुपए। और स्टोर का फॉर्मेट क्या था, साइज क्या था? 550 कारपेट। ठीक है, तो ये स्टोर का क्या रिजल्ट रहा बताइए? 60 लाख रुपए की सेल रही। 60 लाख साल का? ईयरली। तो बहुत बड़ा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। बट सर जो माहौल तक के 8 बजे तक ही डाइनिंग था। अच्छा, कोविड के टाइम। हाँ, सेकंड वेव में शुरू किया था। और जोरको नाम कहाँ से आया? हम डिस्कशन कर रहे थे घर पे फैमिली पे, तो मम्मी ने जैसे मारवाड़ी में बोलते कि जो भी हो जोरको ही काम हो, जोरको काम हो, तो जोरको को फिर थोड़ा अर्बन लगे इसके लिए जेड कर दिया। चल मेरे को जल्दी से बता दे तेरा धंधा कितना है। इस साल हम 30 करोड़ के रन रेट पे चल रहे हैं। ये कस्टमर रेवेन्यू है या? नो सर, ये हमारा जो रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं प्योर उसका बिजनेस है। पिछले महीने हमने सर 2 करोड़ 40 लाख का मतलब धंधा किया, उसमें से 2 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ फ्रेंचाइजी रॉ मटेरियल और फ्रेंचाइजी का बिजनेस है। माय गॉड, तेरे अभी खुद के रेस्टोरेंट कितने हैं और फ्रेंचाइजी कितने? सर सारे फ्रेंचाइजी। अच्छा, और फ्रेंचाइजी पैसे बनाता है? हाँ सर। कितने पैसे बना लेता है? सर 50% प्रॉफिटेबल है आज की डेट में। अच्छा, और 30% जो एक्सपायर चल रहे हैं और 20% जो लॉस। ठीक है, किसी फ्रेंचाइजी को बंद करना पड़े नहीं करना पड़े? सर हमारा जो मॉडल है उसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। क्या मॉडल है? हमारा जो मॉडल है पहला तो शेफलेस मॉडल है, तो हमने कहा सारी SOPs ऐसी बना दो कि कोई भी बना सके विद इन 48 आवर्स उसको सीख जाए। तो आप शिप करते हैं रोज उनको पैटी? हाँ, हम रोज नहीं करते सर, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है। एक साल? यस सर, फ्रोजन फ्रोजन फ्रोजन। रेस्टोरेंट में लोग फ्रेश खाना खाने आते हैं तो उनको ऐसा पुराना खाना, दुनिया की कोई भी बड़ी चेन आप उठा लो तो फ्रोजन फूड ही मिलता है। तो आपके बंस फ्रोजन जाते हैं? नहीं, हर सिटी के अंदर अच्छे अच्छे बेकरी वाले हैं। आपने आपके प्रोडक्ट का सैंपल दिया, बोला कि भाई मेरा कंजप्शन इतना है, आप इसके बना के दीजिए, वो बना के देगा। कितने फ्रेंचाइज आपने बताए? 150 इन 17 मंथ्स। पर फ्रेंचाइजी की एवरेज सेल्स क्या है? लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए महीने की। हाँ, महीने। इसको इन्वेस्टमेंट कितना पड़ना करना पड़ता है? 8 से 9 लाख रुपए का खाली इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। 8 to 9 lakhs। और पैसा कितना बचता है? 50% ग्रॉस मार्जिन है और 25% का खर्चा है, 25% उनका नेट बचता है और 12 महीने में उनका ROI आ जाता है। आप बोल रहे हैं 50% जो कॉस्ट है उसमें उसका रेंट और आपका इंग्रेडिएंट कॉस्ट दोनों आता है? नहीं, रेंट नहीं, रेंट आप बोल रहे हो 25% में आ जाता है? हाँ। तो आप बोल रहे हो 25% ऑफ 3 लाख, मतलब 75,000 में उसका रेंट और मैन पावर कॉस्ट, रनिंग, बिजली सब नहीं हो सकता? 75,000 रुपए में मैन पावर और रेंट दोनों? दो या तीन लोग तो लगेंगे। कितना रेंट होगा किसी भी दुकान का? 25 से 30,000 अगर होता तो उससे ज्यादा हम अलाउ ही नहीं करते। उसके बाद सैलरी कितने लोग रखेगा स्टोर? सर 2 ही लोगों की जरूरत है क्योंकि शेफलेस किचन वाला है 10,000 वाले। क्या साइज है आपकी शॉप का? 400 स्क्वायर फीट। 400 स्क्वायर फीट, 500 का तो हमारा आउटलेट था, बाकी 250 से 300 का। 250 से 300 स्क्वायर फीट 25,000 रुपए में कौन से टीयर 1 टाउन में स्टोर मिलता है? मैं बता दूं, सूरत में मेरा हाई स्ट्रीट की दुकान है 200 स्क्वायर फीट की, उसका रेंट 70,000 है। मैम आपको फिर लूट लिया उनने। सही बता रहा हूँ आपको, 100 रुपए कारपेट रेट चल रहा है सूरत में पॉर्च, अगर मैं आपको दिलाऊं तो आप क्या देंगे? हमारा जो टारगेट सेगमेंट है ना वो ऐसी जगह पे जहाँ पे मैकडी डोमिनोस ये कोई भी नहीं है, वहाँ पे हम ही उनके मैकडी है, हम ही उनके डोमिनोस। दिखाओ कोई स्टोर, दिखाओ मेरे को डिटेल में। ये देखिए, ये पूरी वाली का आउटलेट, ये इसमें हमने सब नाम दिया। और दिखाओ, और दिखाना एग्जैक्ट लोकेशन, आप गूगल के सामने है, हम आपको बता जोर को बोरी वाली। और दिखाओ, ये है लिमड़ी हाईवे, ये लिमड़ी हाईवे। अच्छा, और दिखाओ, जैसे ये है एग्जैक्ट आउटलेट, 8-9 लाख रुपए में दिया। और 17 महीने में आपने 150 फ्रेंचाइजी अक्वायर कैसे किया? तो हमने क्या किया, जो हमारे पास रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब जो इंसान महीने में 4 बार से ज्यादा हमारे पास आ रहा है उसको ही हम अप्रोच करते हैं। क्या बात, अरे वाह। उसके अंदर सबसे बढ़िया बात, खूबी जो हमारे भारत की है ना वो ये है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जोरदार है। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है ना कि हम पिच उसको करते हैं जो हमारा खुद का ब्रांड एम्बेसडर बनता है। कैसे? उसके खुद के पास अगर 8-9 लाख रुपए नहीं है ना लगाने के लिए, उसका कोई भी दोस्त यार तो होगा ही जो बिजनेस की बात कर रहा हो, तो या तो वो लेगा या वो आपके बिहाफ पे कहीं ना कहीं आपकी पिच करे। बहुत सॉलिड फंडामेंटल थिंकिंग आपकी। हां, अभी हमारा जैसे आधा आसाम में उदलगिरी टाउन 15,000 पॉपुलेशन। अच्छा बात तो सुन, 17 महीनों में कितने फ्रेंचाइजी ने वापस आके कहा चूना क्यों लगा दिया? सर नहीं बोला, क्योंकि हमने कोई ऐसा पैसा लिया ही नहीं है सामने वाले से कि वो हमको आके ऐसा बोले। फ्रेंचाइजी फी नहीं लेते? फ्रेंचाइजी फी लेते हम 3,99,000 लेते, और उसके अंदर लेकिन हम साथ में किचन की एक्सेसरीज देते, फर्स्ट टाइम का रॉ मटेरियल देते, 50,000 की उनकी मार्केटिंग कराते, इन्फ्लुएंसर बुलाते, मतलब 2 लाख रुपए तक का तो हम खर्चा कर ही दे रहे हैं उनके ऊपर। आप क्या करते हो भाई, छोटे भाई?
मेरा मेन ऑपरेशंस का काम है, मतलब एक बार कोई भी लीड है वो क्लोज हो गई, उसके बाद के जो भी काम है वो सारे मेरे हैंड में रहते हैं। फ्रेंचाइजी से आप बात करते हो? नहीं, बट आप लोग मिलते नहीं हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी को मैनेज करना इज लाइक अपना अपना स्टोर है, राइट? क्योंकि आपका ब्रांड उस पे लगा है। कौन मिलता है, कौन बात करता है उनसे? आप दोनों में से कोई नहीं करता ये बात काम? नहीं सर, अगर कोई जैसे आया हमसे मतलब मिलने तो वो प्रोसेस होती है, बट जो समझाने का काम है या ब्रोशर समझाना है या बात करना है तो वो तो उसके लिए तो सर टीम। तो आप एक रेस में लगे हो कि मेरे को जल्दी-जल्दी फ्रेंचाइजी खोलनी है, जल्दी-जल्दी करना है, उससे तो थोड़ी कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है ना बीच में। ऐसा हो सकता है दिखने में लगे कि ये बहुत हड़बड़ी में हो रहा है, पर वैसा नहीं है। मतलब हम तो हजार आउटलेट भी हमको कुछ नहीं लग रहा, और हमको तो अभी जैसे हमने एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया पोर्तुगल पाव का, उसके अंदर सर पाव के आइटम्स है। क्योंकि हमारे पास ऐसी भी इंक्वायरी आती है कि हमको चाट की फ्रेंचाइजी करनी है, तो हमारा टारगेट है कि भाई 7 से 8, जैसे कोई भी कंपनी होती है अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, हम भी 7 से 8 नए ब्रांड लॉन्च करें। Got it. ठीक है, समझ गए। तो 1.5 साल पहले स्टोर खुला था, उसकी सेल बढ़ रही है? थोड़ी बढ़ रही है सर, और ऐसे भी थोड़ी मतलब कितनी? जैसे जब खुलता है तो क्या सेल होती है? सर खुलता है तो 2 से 2.5 लाख रुपए सेल होती है। और 1 साल बाद? 1 साल बाद सर 3 से 3.5 लाख। देखो यार, आप बहुत स्ट्रेटेजिक हो, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है आप में, एनर्जी भी अच्छा है, SOP वगैरह पे काम कर रहे हैं, पर आप एक जो अमन ने भी कहा, आप एक रेस में भाग रहे हैं। पहले तो पता था कि आप स्टोरी खोल रहे हैं एक रेस में, अब आप पता लगा कि मल्टीपल ब्रांड भी खोल रहे हैं। पर मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो आप एक स्टोर खोल रहे हैं ना, वो हर महीने ग्रोथ करे, क्योंकि 3-3.5 लाख रुपये से कोई स्टोर नहीं चलता। आपको कोशिश करना चाहिए कि ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए एक स्टोर करे। अगर आप 10 लाख करेंगे तब कहीं जाके ये सस्टेनेबल बनेगा। तो यही मेरा व्यू है, मैं आउट हूं सर। ओके सर, ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। पीयूष भाई, जो आपका स्टोर फ्रेंचाइजी है, हाँ, वो अगर 2-2.5 लाख फर्स्ट ईयर में करता है, फिर 3-3.5 लाख करता है, तो उसका कैपिटल रिटर्न आना, मतलब अनलेस वो GST नहीं भर रहा है, खुद ही स्टोर पे बैठा है, सैलरी नहीं दे रहा है, तभी आ सकता है। तो आपका बिजनेस मस्त मलाई वाला है, उसका बिजनेस बहुत कठिन है। तो अभी के लिए मैं आउट हूँ, बेस्ट ऑफ लक। देखिए, वापस चलते हैं नंबर्स पे। आपके बिजनेस का आपने कहा आपका रन रेट चल रहा है 30 करोड़ रुपए का इस साल। आप 30 करोड़ का रन रेट नहीं, पूरे साल का 30 करोड़ करेंगे। जरा मार्जिन बताएंगे सर? 40% जितना है। तो 12 करोड़ के आसपास का आप मार्जिन कमा रहे हैं। हाँ। और फिर नफा नुकसान उसके अंदर सर 20% जैसा हमारा खर्चा लग जाता है, और 20% हमारा नेट बचेगा। तो इस साल आप करो, आप 6 करोड़ का नफा कमाओगे। हाँ, और पैट हमारा आएगा 4.5 करोड़ इस साल। सर एक और चीज उसमें बोलना चाहूंगा, हमने इसके नीचे एक सब्सिडियरी कंपनी भी अभी बनाई है, जोरको वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसका काम है, आप ओयो में इन्वेस्ट करोगे? उसमें हम लोग फूड जो बिजनेसेस है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके तहत हमने ये फैक्ट्री अभी खरीदी है, जिसमें सॉसेस, पैटीज, सब चीजें बनती है। और ये जो नई फैक्ट्री आपने अभी खरीदी, हाँ, हाँ, कितने में खरीदी आपने? सर 2 करोड़ रुपए की पूरी। 2 करोड़ रुपए में आपने फैक्ट्री खरीदी, हाँ, जो आपका मुनाफा हुआ है उसमें से? हाँ। तुम दोनों जो एंटरप्रेन्योर्स हो ना, बहुत अलग टाइप की एक ब्रीड होती है जो डिसरप्ट करता है। जब वो डिसरप्शन आती है ना, तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। तो मेरा इसमें एक ही व्यू होता है, या तो तुम फोड़ोगे या फटोगे, लेकिन तुम मेरे 10 लाख को 5 करोड़ बना दोगे, इसकी मेरी उम्मीद है। जी सर। और मैं आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। रितेश भाई, आप इंटरेस्टेड हो? मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं और रितेश भाई एक बार बात करके आपके पास आते हैं। बिल्कुल सर। यार मेरे को एक बात बताओ, आप ट्रेडिंग कर रहे हो अभी स्टॉक मार्केट में? सर इन्वेस्टमेंट है, और थोड़ी बहुत देख वॉच हमेशा रहती है। दूसरी बात बताओ, हाँ, आप के पास अभी मुनाफा आ रहा है 6 करोड़ रुपया, टैक्स के बाद 4-4.5 करोड़ रुपया साल का पैट बचेगा। हाँ। 2 करोड़ रुपए की फैक्ट्री खरीद ली, हाँ, 8 ब्रांड खोलोगे आप, हाँ, साथ में आप एक सब्सिडियरी वेंचर खोलोगे, यस, साथ में आप ट्रेडिंग भी करोगे, और साथ में हम हुरेका भी करेंगे। 4 करोड़ का प्रॉफिट लेके वेंचर इन्वेस्टिंग शुरू करो, जबकि आपका धंधा सिर्फ आज 30 करोड़ का है, जिसमें आधे लोग नुकसान कर रहे हैं, साथ में 8 और ब्रांड लॉन्च करना, हाँ, और सिर्फ आप 2 बंदे, राइट, लीडरशिप, हाँ, लीडरशिप, हाँ, ये हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। सर इसीलिए तो आप लोग तो, क्या साथ चाह रहे हैं? ना 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 ना, हमारा साथ चाहिए तो आप 1.5 करोड़ में 1% की बात नहीं करते, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल काली। I wish you the best amount. Thank you, sir. देखिए, मेरा भी मानना यह है कि
पहले लोग ये मूवीज में होती थी ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, आजकल छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। तो हम लोग साथ में मिलकर के, बिल्कुल पहले नहीं बता सकता था मैं, यूज कर लेते हैं अरे साथ में अमन से ही सीखा जो सीखा, पर हम लोग साथ में पर हम लोग साथ में मिलकर के आपको ऑफर देना चाहते हैं। हमारी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डील है, हमें 10 लाख का 5 करोड़ बनाना है जो आपने कहा था, तो हम 10 लाख मैं डालूंगा, 10 लाख रितेश भाई डालेंगे, ठीक है, बाकी हम डेट पे देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑफर है 20 लाख इक्विटी फॉर 1% इन योर कंपनी, बाकी डेट एट 10% फॉर 3 ईयर्स। सोचो और जल्दी वापस आओ। ओ भाई, बट आई लव द एनर्जी, अमेजिंग एनर्जी, मैं वो लेगा ही नहीं डील। रितेश भाई, अमन भाई, हम 1% और 20 करोड़ की वैल्यूएशन, वो थोड़ा सा उसको छोड़ देते हैं एक बार, हम 1% ऐसे ही ऑफर करते हैं, बट उसके सामने हमको आपके 50-50 घंटे, अगर आप देना चाहे 50 घंटे, ऐसे नहीं चाहिए कि आपके पर्सनल चाहिए, जैसे आप अभी यहाँ पे आए, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल। परछाई बनना है, परछाई। हम 1% ऐसे ही ऑफर करते हैं, जो मेंटरशिप और गाइडेंस की आपने बात की। ओ भाई सुन, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बट मैं तेरे को ऐसे घंटे कमिट नहीं करूंगा। अगर मेरे को अच्छे लगे तो मैं दे सकता हूँ, अपनी टीम के साथ बैठा सकता हूँ, मेरे साथ बैठ सकता है, सीख सकता है, लेकिन मैं ऐसे कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहता। अगर मैंने आज कमिट कर दिया तो कल जाके 10 को बताएगा कि ये कमिट करता है फिर देते नहीं है। मैं नहीं कर रहा ये सब, मैं जो करूंगा अगर दिल होगा तो करूंगा, दिल नहीं होगा तो नहीं करूंगा। अभी तुम्हारे को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारी एनर्जी अच्छी है, तुम्हें थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत है, तेरी एनर्जी इधर उधर जो भटक रही है ना उसको कलेक्ट करके एक जगह डालना है, और मैं बता रहा हूँ तू बना सकता है, तेरे में है वो, तेरे पास ऑप्शन सिंपल है। देखो हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं 1% के लिए, बाकी डेट है, या अगर तेरे को पैसे नहीं चाहिए तो सारा एक डेट में ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तेरे को चूज करना और आंसर दे दे, टाइम नहीं। डेट 100% ले लेंगे वो सही है, ठीक है, उसमें 100% ठीक है, 10% में कोई दिक्कत नहीं है, बट सर थोड़ा सा आवर्स का अपने को थोड़ा सा नहीं, कमिट नहीं कर रहा, दूंगा कमिट नहीं, इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा। अभी भरोसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी फिर उस साइड जा रहे हैं, जो तू इधर 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 गए ना, अभी इधर जा रहे हैं। देखिए लास्ट है यस या नो, सर 1.5 करोड़ रुपए आप डेट पे दे दो 10%, और इक्विटी नहीं दे रहा, इक्विटी देंगे ना, 1% इक्विटी दे रहे, उसके अगेंस्ट में एज ए मेंटरशिप इक्विटी हम आपको देने के लिए रेडी है, बट हम जब 1% का कमिटमेंट करते हैं, हमें पता है कि आप कमिटमेंट देंगे ना तो वो फुलफिल करेंगे, और नहीं कमिटमेंट देंगे ना तो सर कमिटमेंट बिना फिर मजा नहीं आता। मेरे को घंटे कमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे से तुम 20 घंटे कमिटमेंट ले लो, ठीक है, और अमन के तरफ से आपको भरोसा करना पड़ेगा। इसके साथ में आप फाइनल अभी हाँ या ना बताओ। यस मैडम, बोल ले रहा अरे सर 25 घंटे डन, 25 पे करते हैं सर, ठीक है डन, चलो डील पक्की। मैं फाइनल बता रहा हूँ, रितेश ने आपको आवर्स कमिट करे हैं 25, मैं आपको कमिट नहीं कर रहा, बट मैं आपको ट्रस्ट दे रहा हूँ कि मैं करूंगा, और डील ये है कि आप 1.5 करोड़ रुपए हम दोनों से ले रहे हैं डेट पे 10% के लिए, और 1% इक्विटी दे रहे हैं हम। एडवाइजरी, हम आपको 1% दे रहे हैं इक्विटी पर, सर आप कर दो ना सर 25 आवर में, क्या नहीं, है मैं नहीं कर रहा। नहीं, आप डील पक्की बोलिए या फिर डील नहीं पक्की बोलिए, फिर हम खत्म। डील तो पक्की है, लेकिन अमन भाई आप ऐसे लेकिन नहीं चलता है। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग डिसीजन लेने में आपका एबिलिटी नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बट मुझे लगता है कि शायद आप थोड़ा इनडिसाइसिव हैं। हाँ सुनो, मैं आऊँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा बंदा। सर अब 50 से 25 पे आएंगे तो भाई मुझे माफ कर, रितेश से कर लो यार डील 25 घंटे। भाई अपन करते 25 घंटे। मुझे लगता है आप इनडिसाइसिव हैं, उस कारण से मैं आउट। सॉरी भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू।